अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन दफा और आप लोग देख रहे हैं VSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन शुरू किया है, जिस पे आपके जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, C++ है, HTML है और बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो वहाँ पे मैंने अपने रिकॉर्डेड रखे हैं। आप लोग जल्दी से www.youtube.com/teachersonlineforyou URL टाइप कीजिए और मेरे चैनल को ओपन करके, जैसे आपने मुझे VSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में प्रमोट किया है, वैसे ही प्रमोट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर अवेलेबल हैं उनसे सीखिए। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो हमारा क्विज आया हुआ है उस हवाले से है। तो चलिए हम लोग अपना क्विज कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी। इसमें लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, डेवलपिंग स्ट्रेटेजी सपोर्टिव कल्चर है, रीडायरेक्टिंग मार्केटिंग एफर्ट है और डेवलपिंग अ यूटिलाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। दोस्तों, जो हमारी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन है उसका जो पार्ट है वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हैं वो उसका पार्ट नहीं है, बिकॉज दीज आर इंक्लूड इन दी स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन प्रोसेस, वो स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन प्रोसेस का हिस्सा है। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट वन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ अ वीक डॉलर फॉर US डोमेस्टिक फर्म एक्सेप्ट। कैन लीड इन्फ्लेशन, कैन राइज ऑयल प्राइसेस, कैन वीकन US गवर्नमेंट, लीड्स टू मोर एक्सपोर्ट। अब मैंने जो है इसमें थर्ड वाला लगाया है, आप इसको काइंडली एक बार कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मिशन स्टेटमेंट वाइडनेस द फर्म्स मिशन इन टर्म्स ऑफ मार्केट सर्व्ड, अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड। इसमें नैरो मिशन है, ब्रॉडर मिशन है, शॉर्टर मिशन है और लॉन्ग टर्म मिशन है। तो ये जो स्टेटमेंट हमें ऊपर दी गई है, दीज आर रिलेटेड टू द नैरो मिशन स्टेटमेंट और फर्स्ट वन जो है वो हमारा इसका ठीक जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द अदर टर्म यू फॉर एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी मैनेजमेंट ऑडिट। इसमें ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट है, इंडस्ट्री एनालिसिस है, गेन शेयरिंग है एंड जॉब एनालिसिस है। तो मैंने जो है इसका सेकंड वन मतलब इंडस्ट्री एनालिसिस लगाया, आप इसको भी एक बार कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट है जी हमारा सिक्स नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें प्रोडक्शन ऑपरेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कम्पेटिटिव ट्रेंड है और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। तो इसमें हमारा जो थर्ड वन है कम्पेटिटिव ट्रेंड, ये इसका बिल्कुल ठीक जवाब आएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सेवंथ, वो कुछ इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाइज टू वीएन स्टेटमेंट। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई द कस्टमर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द की मेजर्स और मेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस और लास्ट में है डिस्क्रिप्ट द वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीएन स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वन जो है वो हमारा बिल्कुल इसका ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंटीग्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज एक्सेप्ट। इसमें मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ HRM, वो HRM का पार्ट होता है, बट द मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर इज द फोर्थ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एनुअल ऑब्जेक्टिव आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, क्रेसमिस्टिक ऑब्जेक्टिव है और स्ट्रेटेजिक गोल है। एनुअल ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं कि जी एक साल के होते हैं, दीज आर बिलोंग्स टू द शॉर्ट टर्म पीरियड, सो दैट्स व्हाई शॉर्ट टर्म गोल्स आर द एनुअल ऑब्जेक्टिव। हमारे जो है सेकंड वन जो है इसका बिल्कुल
ठीक जवाब है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जी 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इलिस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट गाइड स्ट्रेटजी इन मेकिंग गुड डिसीजन एंड बिहेवियर। फर्स्ट वन है जी बिजनेस एथिक्स, सेकेंड है जी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है। तो मैंने जो है इसका थर्ड लगाया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। दोस्तों ये था हमारा क्विज MGT603 का और मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक और 10th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रिवार्ड एंड रिलेशनशिप मैंने 2-3 किए हैं, तो आई थिंक ये गलती से यहाँ पे पेस्ट हो गया है, वो ऊपर वाले ही बस 10 थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस रिवार्ड एंड रिलेशनशिप है। दोस्तों ये था हमारा क्विज MGT603 का। आप जल्दी से youtube.com/teachersonline फॉर यू ओपन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट द CS101 एंड MGT101, CS201, MGT201 एंड HTML एंड मच मोर, लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन माय सेकंड यूट्यूब चैनल दैट इज नोन एज 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।